सरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2022 को लेकर। इसमें जो एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है और प्रभारी सचिव जो काउंसलिंग के प्रभारी सचिव हैं उनका बयान जारी हुआ है और उन्होंने काउंसलिंग के बारे में डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आइए और देखते हैं, एक और अपडेट हम आपको देंगे कि कुल सीट्स जो होती हैं पॉलिटेक्निक परीक्षा के तहत, तो चाहे वो जिस ग्रुप की हों, चाहे डिप्लोमा या आपकी डी फार्मा की हो या इंजीनियरिंग की हो या और जो डिप्लोमा होते हैं, सभी की जो टोटल सीट्स हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट की वो हैं 2,28,527 टोटल सीट्स हैं। लेकिन इस बार कुल पास अभ्यर्थी हैं 1,74,160, यानी करीब 54,000 कैंडिडेट जो है कम क्वालिफाई हुए हैं। तो इस बार सीट्स खाली रहना लगभग तय हैं। और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस के बारे में भी हम बात करेंगे कि कितनी फ़ीस होती है इनकी। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो राम रतन प्रभारी सचिव जो है यूपी पॉलिटेक्निक के जो काउंसलिंग के हैं, उन्होंने कहा कि AICTE क्योंकि इसी के थ्रू अप्रूव्ड होते हैं डिप्लोमा, और शासन से कुल सीटों की संख्या नहीं मिल पाई है। डाटा मिलते ही काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो यानी जो सीट्स का कलेक्शन है, जो सीट्स का ब्यौरा है, वो अभी नोटिफिकेशन के तहत जो ऑफिशियल ऑर्डर होता है वो रिलीज़ नहीं किया गया। वो अभी काउंसलिंग अथॉरिटी है उसे अब प्रोवाइड नहीं कराया गया है। जैसे ही वो प्रोवाइड कराया जाएगा वैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन काउंसलिंग शेड्यूल का जारी कर दिया जाएगा। तो यानी इसके लिए आप सभी लोग, तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई, यानी ज़्यादा वक्त अब नहीं रहा कि काउंसलिंग स्टार्ट होने में। तो ये डाटा है, इसी वजह से काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं जारी हो रहा है। और यहाँ पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से देखिए, ये जो सीट्स का ब्यौरा दिया गया उसमें कहा गया 2,28,527 सीटों पर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई गई थी, लेकिन उसमें जो है 1,85,169 अभ्यर्थी परीक्षा में केवल सम्मिलित हुए, यानी परीक्षा में ही सम्मिलित बहुत कम हुए, जितनी सीट्स हैं उससे कम लोग सम्मिलित हुए। इसमें केवल 1,74,160 अभ्यर्थी जो है पास हो पाए, यानी 54,367 सीटें खाली रह जाएंगी क्योंकि इतने कैंडिडेट ही कम पास हुए। क्योंकि पहली बात कम पास क्या, अब फॉर्म भरने के बाद जो है परीक्षा ही देने कम लोग गए, जितनी सीट्स थी उससे कम लोग परीक्षा देने गए, फिर उससे कम लोग और पास हुए, तो जो 54,000 इतनी सीटें तो रह जाएंगी। अब बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट प्राइवेट, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट की सीट्स पहले भरी जाएंगी फिर प्राइवेट की सीट्स भरी जाती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सभी का रुझान गवर्नमेंट सीट की तरफ रहता है, तो अब यहाँ पर आप देखिए नीचे इन्होंने पूरा डिटेल में समझाया है और लिखा है कि जो अनुदानित यानी राजकीय यानी गवर्नमेंट के और अनुदान प्राप्त संस्थान जो हैं उनकी साल भर की फ़ीस जो है कोई भी डिप्लोमा आप करेंगे तो 19,000 रुपये आपको देनी होती है पॉलिटेक्निक की फ़ीस एक साल की। तो सबसे पहले ये सीट तो भरी जाएंगी, उसके बाद निजी संस्थानों में फ़ीस जो होती है 30,000 रुपये होती है, और भी चीज़ें खर्च होती हैं तो वो फीस ज़्यादा चली जाती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आप सभी लोग जानते हैं ये 30,000 से ज़्यादा आपको साल भर में चुकाना पड़ सकता है, तो ऐसा हो सकता है। और चांसेस रहते हैं क्योंकि जो स्टूडेंट्स बोलते हैं चीज़ें बताते हैं क्योंकि उनके खर्चे और बाकी चीज़ें थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, ऐसे में इन संस्थानों में सीटें खाली रह जाएंगी। तो कहा गया कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें क्योंकि फ़ीस ज़्यादा होती है तो इसलिए ये जो है खाली रह जाएंगी। पॉलिटेक्निक के प्रति छात्रों का रुझान घटने का प्रमुख कारण जो है नौकरी ना मिलना है, क्योंकि क्या हो रहा है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग या ई ग्रुप फार्मेसी और मैनेजमेंट के डिप्लोमा कोर्सेज को छोड़ दें तो अन्य ग्रुपों के छात्रों को नौकरी बहुत मुश्किल से मिल पाती है। अगर नौकरी आपको मिलेगी तो चांसेस इन्हीं में है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग और आपका क्या है ग्रुप ए हो गया आपका और ग्रुप ई हो गया यानी फार्मेसी हो गया और मैनेजमेंट के डिप्लोमा हैं, यही तीन तरीके के ऐसे डिप्लोमा हैं
जिनमें नौकरी के चांसेस ज़्यादा हैं, थोड़े से मिल सकती है, बाकी में नहीं मिलती। इस कारण लोगों को जो है, लोगों ने इस तरीके की जो सीटें थी, ये 54,367, उन पर जो है आप समझ लीजिए वो सीटें खाली ही रह जाती हैं। तो यहीं पर इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने कहा कि 18 जुलाई को जारी किया गया था, सप्ताह भर बीतने के बाद भी काउंसलिंग शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है। तो ये काउंसलिंग शेड्यूल क्यों जारी नहीं किया गया, उसका कारण हमने बता दिया है। तो मान के चलिए एक हफ्ते के अंदर ही काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाएगा और आप आसानी से काउंसलिंग करा पाएंगे। तो जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा, कब क्या कैसे कितनी रैंक वाले लोग जाएंगे, उन सभी के बारे में हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आप जो है वेट करिए, परेशान ना होइए। जैसे ही चीज़ें क्लियर होंगी हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।